हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमसीक्यू वॉरियर्स पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मशीन डिजाइन। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। जो टॉपिक है वो है मशीन डिजाइन। इसमें हम 500 से ज्यादा क्वेश्चन कवर अप करेंगे हर, और इसको हम डिफरेंट पार्ट्स में कवर अप करेंगे। हर पार्ट में हम इसके 50 क्वेश्चन कवर अप करेंगे। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्लीव और मफ कपलिंग इज डिजाइंड एज अ, इसका करेक्ट आंसर है डी, हॉलो शाफ्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रूज यूज्ड फॉर पावर ट्रांसमिशन शुड हैव, इसका करेक्ट आंसर है बी, हाई एफिशिएंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन बेवल गियर्स कनेक्ट टू शाफ्ट्स हुज एक्सिस इंटरसेक्ट एट एन एंगल ग्रेटर देन अ राइट एंगल एंड वन ऑफ द बेवल गियर्स हैज अ पिच एंगल ऑफ 90 डिग्री देन दे आर नोन एज, का करेक्ट आंसर है बी, क्राउन बेवल गियर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, A sliding bearing in which the working surfaces are completely separated from each other by lubricant is called zero film bearing. Is it true or false? It's false. चलिए next question देखते हैं दोस्तों। The number of rivets in shear shell be equal to the number of rivets in crushing. It's correct. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टफनेस ऑफ अ मटेरियल डैश व्हेन इट इज हीटेड, इसका करेक्ट आंसर है बी, डिक्रीजेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्लॉट्स इन अ 25 mm कैसल नट इज, का करेक्ट आंसर है सी, 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, A screw is said to be overhauling screw if its efficiency is, इसका करेक्ट आंसर है बी, मोर देन 50%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एप्लीकेशन ऑफ थर्ड टाइप लीवर्स इज फाउंड इन, का करेक्ट आंसर है डी, अ पेयर ऑफ टोंग्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है, फॉर अनइक्वल विड्थ ऑफ बट स्ट्रैप्स द थिकनेस ऑफ बट स्ट्रैप्स आर, का करेक्ट आंसर है ए, 0.75 t फॉर वाइड स्ट्रैप ऑन द इनसाइड एंड 0.625 t फॉर नैरो स्ट्रैप on the outside. चलिए next question, in second type of levers, इसका correct answer है A, load is in between the fulcrum and effort. चलिए next question, next है, Soderbergh relation is based on dash of the material whereas all other failure रिलेशन फॉर डायनेमिक लोडिंग आर बेस्ड ऑन अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, इसका करेक्ट आंसर है बी, यील्ड स्ट्रेंथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फ्लैंज कपलिंग द फ्लैंजेस आर कपल्ड टुगेदर बाय मीन्स ऑफ, इसका करेक्ट आंसर है ए, बोल्ट्स एंड नट्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अ ट्रांसमिशन शाफ्ट इंक्लूड्स, इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू IBR शेयरिंग रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू शेयर ऑफ द रिविट पर पिच लेंथ इन डबल शेयर is where n is equal to number of rivets per pitch length,
इसका करेक्ट आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ लॉकिंग डिवाइस इन विच द बॉटम सिलेंड्रिकल पोर्शन इज रिसेस्ड टू रिसीव द टिप ऑफ द लॉकिंग सेट स्क्रू इज कॉल्ड। इसका करेक्ट आंसर है सी, रिंग नट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्लेंडरनेस रेशियो इज द रेशियो ऑफ। इसका करेक्ट आंसर है सी, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम टू लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द कॉलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ क्रैंकशाफ्ट इज अ डैश शाफ्ट। इसका करेक्ट आंसर है बी, मशीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस 100H6/G5 मीन्स दैट द। का करेक्ट आंसर है बी, बेसिक साइज इज 100 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ प्लेट विद एन इलेप्टिकल होल इन द सेंटर विद सेमी मेजर एक्सिस ए परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लोडिंग एंड सेमी माइनर एक्सिस बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लोडिंग इज सब्जेक्टेड टू अ पुल पी द मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द एज ऑफ द होल इज इक्वल टू वेयर सिग्मा इज इक्वल टू स्ट्रेस फॉर अ प्लेट विद नो होल दैट इज नॉमिनल स्ट्रेस। इसका करेक्ट आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है द वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग डैश द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फ्रॉम द पिच पॉइंट। इसका करेक्ट आंसर है ए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फ्रॉम द पिच पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A column is known as a long column if the slenderness ratio is. इसका करेक्ट आंसर है डी, 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्कमफ्रेंशियल जॉइंट इन बॉयलर्स इज यूज टू गेट द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ अ बॉयलर। इसका करेक्ट आंसर है ए, ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The ball bearings are provided with a cage. And इसका correct answer है C, to maintain the balls at a fixed distance apart. चलिए next question देखते हैं दोस्तों। Next है, when screw threads are to be used in a situation where power is being transmitted in one direction only, then the screw thread suitable for this will be. आपका करेक्ट आंसर है डी, बटरेस थ्रेड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन रेडियल कैम्प्स द फॉलोवर मूव्स। इसका करेक्ट आंसर है ए, इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द कैम एक्सिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्वायर थ्रेड्स आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग एस वी थ्रेड्स बट दे ऑफर लेस फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस टू मोशन देन विथवर्थ थ्रेड्स। इसका करेक्ट आंसर है ए, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू अनविन्स फॉर्मूला द रिलेशन बिटवीन द डायमीटर ऑफ रिवेट होल डी एंड द थिकनेस ऑफ द प्लेट टी इज गिवन बाय वेयर डी एंड टी आर इन mm। इसका करेक्ट आंसर है डी, डी इज इक्वल टू 6 × √t। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू अवॉइड टीयरिंग ऑफ द प्लेट एट एन एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द रिवेट होल टू द नियरेस्ट एज ऑफ द प्लेट शुड बी इक्वल टू वेयर डी इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ रिवेट होल।
करेक्ट आंसर है बी 1.5 डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर डिपेंड्स अपॉन। इसका करेक्ट आंसर है सी मटेरियल एंड ज्योमेट्री ऑफ द पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज द मैक्सिमम डक्टिलिटी। एंड इसका करेक्ट आंसर है ए माइल्ड स्टील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन अ बोल्ट इज सब्जेक्टेड टू शॉक लोडिंग द रेजिलियंस ऑफ द बोल्ट शुड बी कंसिडर्ड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ब्रेकेज एट द। और इसका करेक्ट आंसर है सी थ्रेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द बोल्ट्स ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ द एक्सियल होल इज ड्रिल्ड थ्रू द हेड एज फार एज द थ्रेडेड पोर्शन सच दैट द एरिया ऑफ शैंक बिकम्स इक्वल टू द रूट एरिया ऑफ द थ्रेड। यस इट्स ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ओपल बेल्ट ड्राइव इज यूज्ड व्हेन। इसका करेक्ट आंसर है बी शाफ्ट्स आर अरेंज्ड पैरेलल एंड रोटेट इन द सेम डायरेक्शंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन यूनिलैटरल सिस्टम ऑफ टॉलरेंस द टॉलरेंस इज अलाउड ऑन। का करेक्ट आंसर है बी वन साइड ऑफ द नॉमिनल साइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉन्स्टेंट फैक्टर इन केस ऑफ आर टेन सीरीज ऑफ प्रिफर्ड नंबर्स इज। करेक्ट आंसर है सी 1.26। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द पाइप जॉइंट मोस्टली यूज्ड फॉर पाइप्स कैरिंग वाटर एट लो प्रेशर्स इज। इसका करेक्ट आंसर है ए सॉकेट जॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गेस्ट थ्योरी द फेलियर ऑकर्स एट अ पॉइंट इन अ मेंबर व्हेन द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन अ बाई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम रीचेस द शेयर स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट इन सिंपल टेंशन टेस्ट। यस इट्स ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सरफेस एंड्यूरेंस लिमिट ऑफ गियर मटेरियल इज डिपेंडेंट अपॉन इट्स। इसका करेक्ट आंसर है सी ब्रिनेल हार्डनेस नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फॉर मैक्सिमम पावर द वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट विल बी। इसका करेक्ट आंसर है सी अंडर रूट टी बाई 3 m। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ हाइड्रो डायनेमिक ल्यूब्रिकेटेड बियरिंग। इसका करेक्ट आंसर है ए देयर इज अ थिक फिल्म ऑफ ल्यूब्रिकेंट बिटवीन द जर्नल एंड द बियरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर गियर्स। इसका करेक्ट आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फ्लैंज्ड पाइप जॉइंट विल बी अ लीक प्रूफ जॉइंट इफ द सर्कमफरेंशियल पिच ऑफ द बोल्ट्स इज where d is equal to diameter of bolt hole। इसका करेक्ट आंसर है c between 20 under root d and 30 under root d। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज कॉस्ट ड्यू टू। इसका करेक्ट आंसर है सी अब्रप्ट चेंज ऑफ क्रॉस सेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द रेजिस्टेंस टू फटीक ऑफ अ मटेरियल इज मेजर्ड बाय। इसका करेक्ट आंसर है डी एंड्यूरेंस लिमिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
द लोड कप ऑफ अ स्क्रू जैक इज मेड सेपरेट फ्रॉम द हेड ऑफ द स्पिंडल टू। इसका करेक्ट आंसर है सी, प्रिवेंट द रोटेशन ऑफ लोड बीइंग लिफ्टेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू शाफ्ट्स ए एंड बी अंडर प्योर टॉर्जन आर ऑफ आइडेंटिकल लेंथ एंड आइडेंटिकल वेट एंड आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल। द शाफ्ट ए इज सॉलिड एंड द शाफ्ट बी इज हॉलो। वी कैन से दैट इसका करेक्ट आंसर है ए, शाफ्ट बी इज बेटर देन शाफ्ट ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इसका करेक्ट आंसर है बी, द वी बेल्ट ड्राइव इज यूज्ड विद लार्ज सेंटर डिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इन अ फ्लैंज कपलिंग द थिकनेस ऑफ फ्लैंजेस इज टेकन एज वन हाफ द डायमीटर ऑफ शाफ्ट। करेक्ट आंसर है ए, अग्री। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू मैशिंग इनवॉल्यूट गियर्स इज इक्वल टू। इसका करेक्ट आंसर है ए, सम ऑफ बेस सर्कल रेडियाई अपॉन कॉस फाई। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्री PDF ई बुक्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी PDF ई बुक्स देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं जिसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।